if the salary of Mr. Shashi is first increased by 18% and thereafter decreased by 15%, what is the net change in his salary? देखो, इसको आप दो तरीके से प्रोसीड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा मेथड कब यूज करना चाहिए। एक आपको पता है कि इफेक्टिव परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या यूज करते हो, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ठीक है। यहां पे फर्स्ट क्या था, इंक्रीज, तो आप पॉजिटिव ले लो 18%, उसके बाद क्या है, डिक्रीज 15% का, तो माइनस क्या लिखोगे 15, और नेक्स्ट में क्या लिखोगे 18 पॉजिटिव और इंटू माइनस 15 एंड डिवाइडेड बाई क्या होगा 100। सो यहां से नेट वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 18 माइनस 5 तो ये 3, और ये प्लस इंटू माइनस तो निगेटिव हो जाएगा। 18 में 15 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 18 इंटू 10 तो 180, और हाफ से मल्टीप्लाई करो तो 90, तो ये होगा 270 एंड डिवाइडेड बाई 100, तो अल्टीमेटली इफेक्टिव परसेंटेज कितना मिल जाएगा, 3 माइनस 2.70, दैट इंप्लाई 0.3%। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ अगर आप नॉर्मल मेथड का यूज करोगे जो एजम्पशन मेथड है, तो आप लेट से अज्यूम कर लो 100 वैल्यू है, इस पे आपने फर्स्ट इंक्रीज करा है 18% से, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 118। उसके बाद आपने क्या किया है, इस पे 15% का डिक्रीज करा है, तो 15% का डिक्रीज का क्या मतलब है, 3/20 से आपने डिक्रीज कर दिया है, मतलब अगर वैल्यू 20 था तो उसमें 3 की कमी, यानी 17/20 का फैक्टर है ये, तो अब वैल्यू कितना हो जाएगा, 118 × 17/20। मैं कह रहा हूं कि ये ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, इसको डिवाइड करोगे तो 2 से 10 और 2 से ये 59, फिर यहां पे 17 × 59, ये नंबर देख रहे हो सारे प्राइम नंबर है, तो कैलकुलेशन लिटिल बिट ट्रिकी हो जाएगा यहां पे, फिर 100 से कंपेयर करो। तो जब कभी भी इस तरह के उटपटांग ऑप्शन गिवन हो ना, 0.7 0.3, तो अज्यूम कर लो फॉर्मूले को ही हमें कैलकुलेट करना है, यूज करना है।